हेलो एवरीवन सो आई एम हियर टुडे विद वन मोर इंटरेस्टिंग टॉपिक और आज का मेरा जो टॉपिक है इट इज़ अबाउट हाउ टू कंडक्ट अ फिटनेस काउंसलिंग फॉर योर क्लाइंट्स हमारे बहुत सारे ट्रेनर्स को ये क्वेश्चंस है कि फिटनेस काउंसलिंग कैसे होनी चाहिए ओके okay? मुझे मैसेजेस मिलते हैं कि जिसमें कहा जाता है सर आप ऐसा वीडियो बनाइए जिसमें आप ये बताइए कि वॉट आर द थिंग्स टू कवर इन अ फिटनेस काउंसलिंग और हाउ टू कंडक्ट अ फिटनेस काउंसलिंग तो इसके बारे में आज का मेरा ये वीडियो है री श्योर sure, जब आप ये पूरा वीडियो देखोगे तो आपके बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे इसके बारे में फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी स्टार्ट विथ की वाई इज फिटनेस काउंसिलिंग सो इम्पोर्टेंट सो लेट मी टेल यू आर क्लाइंट ओके दे हैव लॉट ऑफ डाउट इन देर माइंड उनके दिमाग में बहुत ज़्यादा डाउट्स होते हैं या तो उनको बहुत सारे मिथ्स होते हैं मिथ्स का मतलब गलत इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग फिटनेस रिगार्डिंग फैट लॉस रिगार्डिंग मसल गेन बहुत सारी गलत इन्फॉर्मेशन होती है और ये गलत इन्फॉर्मेशन को क्लियर करना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चाहे वो आपके क्लाइंट्स हो या आपके होने वाले क्लाइंट्स हो ओके okay? मतलब ऐसे कुछ लोग होते हैं जो आपसे बात करेंगे और बाद में वो डिसाइड करेंगे कि उनको आपके पास से पर्सनल ट्रेनिंग चाहिए या नहीं चाहिए तो यहां पर भी फिटनेस काउंसलिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप अगर ये डाउट्स क्लियर नहीं करोगे आप अगर एक ठीक से फिटनेस काउंसलिंग नहीं करोगे तो ये डाउट्स हमेशा उनके दिमाग में रहेंगे और फिर आपका कुछ भी अप्रोच होगा वो हमेशा आपको क्वेश्चन करेंगे दे विल नॉट बी मोटिवेटेड एंड दे विल नॉट बी कंसिस्टेंट इन द जिम तो इसीलिए फिटनेस काउंसलिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सो नाउ व्हाट आर द पॉइंट्स दैट यू विल कंसिडर यू आर काउंसलिंग समबडी सी प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड द फर्स्ट स्टेप is always taking all the information from your clients relating to his fitness and medical condition. So सबसे पहले it is very important that you should know everything about your client regarding fitness and his medical issues. Okay? उसके fitness levels क्या हैं? वो currently कौन सी activity कर रहा है? या तो past में उसने कौन सी activity की थी? कितने समय के लिए उसने activity की थी? Okay? क्या वो exercise करता था? या वो दूसरी कोई एक्टिविटी करता था जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जॉगिंग और साइकिलिंग और ही वॉज वॉज इन टू सम ऑफ स्पोर्ट्स और अगर ही इज नॉट डूइंग दैट एक्टिविटी राइट देन सिंस हाउ लॉन्ग ही इज नॉट बीन पर्टिकुलर एक्टिविटी इसके बारे में पूरी जानकारी होना बहुत ज्यादा जरूरी है उसके फिटनेस लेवल्स कैसे है यह भी आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है इसके लिए आप फिटनेस टेस्टिंग कंडक्ट कर सकते हो जिससे आपको पता चलेगा उसके पहले वो क्या एक्टिविटी करता था और उसकी क्या इंटेंसिटी थी उसके बारे में जानना जरूरी है उसके साथ में उसके मेडिकल इश्यूज़ कोई है अगर तो ये भी जानना जरूरी है जैसे इफ़ योर क्लाइंट इज़ सफरिंग फ्रॉम ब्लड प्रेशर और इज़ सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज़ और इज़ सफरिंग फ्रॉम एनी ज्वाइंट प्रॉब्लम्स तो ये जानना भी बहुत ज़रूरी है जिसके वजह से आप वैसे अप्रोच रखो आप आपके एक्सरसाइज की प्रोग्रामिंग वैसे रखोगे आप सो दिस इज़ द फर्स्ट थिंग टू नो सेकेंड थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड द टारगेट और द गोल ऑफ योर क्लाइंट सो प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड आपके क्लाइंट का टारगेट क्या है वेदर ही इज कमिंग टू यू फॉर फैट लॉस और ही इज कमिंग टू यू फॉर मसल गेन और ही इज जस्ट कमिंग टू यू टू मेनटेन इज फिटनेस लेवल्स या दूसरा कोई टारगेट है ओके okay? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपका कोई क्लाइंट है जिसको ऑस्ट्रियोआर्थराइटिस एंड ही इज कमिंग टू यू सो दैट ही कैन स्ट्रेंथन हीज ज्वाइंट्स ही कैन इम्प्रूव इज फंक्शनैलिटी तो उसका टारगेट जानना बहुत जरूरी है क्योंकि आप जब काउंसलिंग करोगे देन काउंसलिंग शुड बी रिगार्डिंग दैट पर्टिकुलर टारगेट इट शुड बी वेरी वेरी स्पेसिफिक तो ये प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट आपकी काउंसलिंग जो है इट शुड बी स्पेसिफिक टू द टारगेट ये नहीं हो कि आप टारगेट छोड़ के दूसरा कोई चीज आप वहां पर बता रहे हो काउंसलिंग में ओके okay, इससे काउंसिल इससे आपके क्लाइंट्स के अंदर कंफ्यूजन बढ़ेगा ओके सो प्लीज स्टिक टू द टारगेट प्लीज स्टिक टू द गोल और इसके लिए उस क्लाइंट का टारगेट जानना गोल जानना बहुत ज्यादा जरूरी है थर्ड थिंग विच इज एप्सोल्यूटली इंपॉर्टेंट इज कीपिंग योर काउंसलिंग वेरी वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि फिटनेस के बहुत सारी चीजें फिटनेस के अंदर जो भी सब्जेक्ट्स होते हैं या तो फिटनेस में जो भी टॉपिक्स होते हैं ये बहुत ज्यादा टेक्निकल होते हैं तो क्योंकि ये बहुत ज़्यादा साइंटिफिक होते हैं और इसको जब आप समझाते हो यू शुड मेक श्योर दैट यू एक्सप्लेन इट इन वेरी सिंपल मैनर ओके लाइक इट शुड बी ईजी टू अंडरस्टैंड आपके क्लाइंट को समझ में आना बहुत ज्यादा जरूरी है करेक्ट सो डोंट कीप इट वेरी वेरी टेक्निकल अगर आप उसको बहुत ज्यादा टेक्निकल रखोगे आपके क्लाइंट के समझ में कुछ नहीं आएगा और फिर वो काउंसलिंग का कोई मतलब नहीं होता काउंसलिंग का मतलब क्या है वॉट डू यू मीन बाय काउंसलिंग इट बेसिकली मीन्स मेकिंग द अपोजिट पर्सन अंडरस्टैंड इन अ सिंपल मैनर क्लाइंट्स को समझाना क्या समझाना है आपको आपको यह समझाना है कि आपका अप्रोच क्या होगा गोल के अनुसार अप्रोच कैसे होगा कौन सी चीजें करनी चाहिए कौन सी चीजें आपने अवॉइड करनी चाहिए यह सारी चीजें जो है ये सारी चीजें काउंसलिंग में हम एक्सप्लेन करते हैं तो कोई भी टेक्निकल चीज आप जब बोलो उसको सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करो राइट फॉर एग्जाम्पल लेट से इफ आर टॉकिंग अबाउट कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस सो कार्डियो वास्क्यूलर एंडोरेंस प्लीज ट्राइंड एक्सप्लेन दैम वॉट इज कार्डियोवास्क्यूलर एंडोरेंस खाली कार्डियो वस्क्युलर एंडोरेंस बोल के आप छोड़ मत दो सो यू कैन एक्सप्लेन हिम दैट इट इज बेसिकली द अबिलिटी ऑफ द हार्ट टू सप्लाय प्योर ब्लड टू द वर्किंग मसल्स सो यू शुड ट्राई एंड मेक इट ईजी टू अंडरस्टैंड राइट सो वेन यू टॉक अबाउट एरोबिक एक्सरसाइजेस सो नाउ एरोबिक एक्सरसाइजेस क्लाइंट्स को पता नहीं है कि एरोबिक एक्सरसाइज क्या होता है करेक्ट तो वॉट इज एरोक्सरसाइज सो इट इज द एक्सरसाइज वेर विच रिक्वायर्स ऑक्सीजन विच हैपन्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड विच हैपन्स फॉर अ प्रोलोंग पीरियड ऑफ टाइम करेक्ट सो नाउ मेक हिम अंडरस्टैंड गिव हिम एग्जाम्पल एरोसरसाइजेस के एग्जाम्पल दीजिए बेसिकली वॉट आई एम ट्राइंग टू सेट वॉट एवर टॉपिक्स देट यू कवर ट्राई एंड मेक इट वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड डोंट कीप इट वेरी वेरी टेक्निकल बहुत ज्यादा टेक्निकल रखोगे तो उसके समझ में नहीं आएगा एंड देन इट डजेंट मेक एनी सेंस राइट सो ये प्लीज जरा ख्याल रखिए एंड द फोर्थ थिंग व्हाट आई वांट टू मेक यू अंडरस्टैंड इज मेक हिम अंडरस्टैंड दी अप्रोच आपके क्लाइंट को क्या अप्रोच होगा आपका अप्रोच क्या होगा आपका अप्रोच कैसे होगा इसको समझाने की कोशिश करिए राइट फॉर एग्जाम्पल अगर आपका क्लाइंट एक बिगनर है तो उसको समझाइए कि उसके टारगेट के अनुसार उसका जो वर्कआउट स्केड्यूल है वो कैसे होगा सो यू विल गिव हिम फुल बॉडी वर्कआउट

ओके okay, अगर ये पाथवे डेवलप नहीं होगा तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन इनिशियली वेन एवर अगनर स्टार्ट डूइंग अ चेस्ट प्रेस व्हाट इज गोइंग टू हैपन आप इनिशियली देखोगे बिकॉज द प्रोप्राउसेप्शन इज नॉट डेवलप ओके द मूवमेंट इज नॉट अंडर कंट्रोल वो कंट्रोल में नहीं होता उसको ये कंट्रोल में लाने के लिए हम उसको कम वेट और ज्यादा रेपिटेशन देते हैं करेक्ट सो दिस इज द अप्रोच सो प्लीज एक्सप्लेन हिम द अप्रोच टेल हिम दैट इनिशियली यू विल गिव हिम फुल बॉडी वर्कआउट बद द इंटेंसिटी विल बी लेस ओके अगर कोई फैट लॉस करना चाहता है सो प्लीज ट्राई मेक यूम अंडरस्टैंड कि वॉट इज मॉर इम्पॉर्टेंट सो इम्प्रूविंग द बेजल मेटाबॉलिक रेट इज वेरी इंपॉर्टेंट उसके लिए जो मेटाबॉलिकली एक्टिव टिश्यू मसल उसको बढ़ाना जरूरी है बिकॉज मसल्स बर्न लॉट ऑफ कैलरीज करेक्ट सो यू गन टू फोकस ऑन वेट ट्रेनिंग

ट्राई टू मेक इम अंडरस्टैंड एवरीथिंग ओके और उसका एक प्रोग्रेस रिपोर्ट तैयार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके क्लाइंट का एक बराबर प्रोग्रेस रिपोर्ट होना चाहिए सो एवरी मंथली बेसिस यू शुड मेंटेन अ प्रॉपर रिपोर्ट कि उनके उनका कितना वेट था और उनका क्या प्रोग्रेशन हुआ है उनका वेट कम हुआ क्या हुआ उनको फैट लॉस अगर मिला है देन वॉट इज द फैट परसेंटेज राइट नाओ उनके फिटनेस लेवल्स कितने बड़े उनकी स्ट्रेंथ कितनी बड़ी है ये सारा रिपोर्ट रखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सो आई होप आई हैव क्लियर मोस्ट ऑफ़ योर क्वेश्चन राइट आपके बहुत सारे क्वेरीज होंगे इसके बारे में और कोई क्वेरीज होंगे तो प्लीज़ आप कमेंट्स में लिखिए और डेफिनेटली मैंने आपको जो चीज़ें बताई है इसको फॉलो करिए राइट सो इट विल मेक योर फिटनेस काउंसलिंग एब्सोल्यूटली ब्रिलियंट और वो आपको आगे चल के मदद करेगी थैंक यू सो मच